आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस, मैं सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। ओवरलोड रेत डंपरों पर राजस्व, खनिज और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, रेत माफियाओं में हड़कंप। तीन डंपरों का बना प्रकरण, तीन डंपर चालक मौके से हुए फरार। रेत माफियाओं पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर हरदा श्री संजय गुप्ता के आदेश पर आज हंडिया में राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ओवरलोड डंपरों को पकड़ा। डंपरों की पकड़ा धकड़ी से रेत माफिया सक्रिय हो गए और अपने अपने राजनीतिक प्रभाव की धमकियां भी देने लगे। इसके बावजूद जांच टीम ने तीन डंपरों पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया। वहीं तीन डंपरों के चालक डंपर खड़ा करके भाग गए। तहसीलदार हंडिया डॉक्टर अर्चना शर्मा ने हंडिया में पेट्रोल पंप के समीप खनिज जांच नाका लगवाया है, जहां पर 8-8 घंटे की ड्यूटी पटवारी, खनिज विभाग तथा पुलिस कर्मियों की लगाकर उन्हें तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन डंपरों पर भी चालकों को बुलाया गया है। सभी ओवरलोड और बिना रॉयल्टी के खनिज वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन की सख्त कार्यवाही की सूचना मिलते ही रेत माफियाओं के मुखबिर सक्रिय हो गए और जांच नाके के पहले रास्ते पर अनेकों डंपर रोक दिए गए हैं। एमपीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए हरदा से मुकेश कलम की रिपोर्ट।